तो फ्रेंड्स नमस्ते, मैं राजकुमारी, मेरे यूट्यूब चैनल राज टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स आज का वीडियो भी अच्छा होने वाला है, तो पूरे वीडियो में बने रहना। और फ्रेंड्स हमारे यहाँ बारिश कल से ही हो रही है, रात भर भी हुई थी बारिश, और मौसम बिल्कुल ये देख लीजिए, धूप तो नहीं निकल रही आज, कल तो थोड़ी बहुत निकली भी थी। और फ्रेंड्स रात भर बिल्कुल बारिश होती रही होती रही, सुबह मॉर्निंग में भी हुई थी, पर अभी फिलहाल बंद है। तो फ्रेंड्स आज पौधों में पानी वानी नहीं डाला, न शावर किया, क्योंकि आज नल हमारे बहुत जल्दी जा चुके थे। तो अभी चलेंगे टेरेस पे थोड़ी देर बाद में। तो और वो जो जेड प्लांट रखा था फ्रेंड्स, मैं कह रही थी ना आपसे कि मैं उसको ने जो थोड़ा सा बोनसाई सेप दूंगी, तो फ्रेंड्स वो मैंने इन्हें दे दिया है। तो फ्रेंड्स बीच में उसकी क्लिप जरूर लगाऊंगी, तो दिखाती हूँ आपको। और फ्रेंड्स 2 घंटे से है जो बारिश हो रही है, और मैं इंतजार कर रही हूँ बारिश रुकने का, कि ताकि मैं छत पे जाऊँ टेरेस पे जाऊँ, जो आपको कुछ वहाँ का व्यू दिखाऊँ। वैसे तो फ्रेंड्स मैंने सुबह मॉर्निंग में सारा शूट कर लिया था, जो भी है वो क्लिप पूरी लगाऊंगी। और फ्रेंड्स ये भी कब पहली बार देख रही हूँ कि अक्टूबर में मतलब बारिश हो रही है फ्रेंड्स, और ऐसा लग ही नहीं रहा कि इस महीने में ही सब त्यौहार है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए। और फ्रेंड्स हमारे कोटा के अंदर तो ना ये 2 साल में मतलब कोविड के बाद अभी दशहरा लगाया, और बेचारे दशहरे में लगाने वाले उनका क्या हाल और होगा फ्रेंड्स, कि भगवान भी कैसा कर रहा है। जो फ्रेंड्स बहुत बुरा लग रहा है कि 2 साल में तो दशहरा आया था, और बेचारे कैसे कैसे दुकान लगा रहे होंगे, और इनका सारा ये ना जो बेकार हो गया। तो फ्रेंड्स आपको दिखाती हूँ, मौसम इतना ख़राब हो चुका है कि मतलब बारिश का मौसम हो रहा है। जी ये जेट प्लांट है फ्रेंड्स, इसको मैं बोनसाई बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने इधर से पिंचिंग करी थी, और फिर इधर से है ना जो शाखाएं थोड़ी कम ग्रोथ हुई है, इधर की ज़्यादा हो चुकी है। तो फ्रेंड्स इनको कई दिनों से मैं ना कट करने की सोच रही थी। तो फ्रेंड्स एक बोनसाई ट्री बनेगा, ये देख लीजिए। तो फ्रेंड्स मैं इसको कट करती जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ से कट कर रही हूँ, यहाँ पे एक ब्रांच और निकली हुई है, ये देख लीजिए। इस प्रकार से कटिंग करनी है ताकि और अच्छे से ये घना हो जाए, ये देख लीजिए। तो फ्रेंड्स धीरे धीरे से कट करना है और शेप देते जाना है फ्रेंड्स धीरे धीरे से, तो बहुत शानदार एक ट्री तैयार हो जाएगा, ये देख लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ से कट करेंगे तो और शाखाएं 2 ब्रांच निकल जाएगी यहाँ से, तो काफ़ी अच्छा घना सा एक वृक्ष बन जाएगा, जिसे छोटा सा बोनसाई का रूप दिया जाएगा, ये देख लीजिए। तो फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान से काटना है ताकि अच्छा सा सेफ निकल के आए, देख लीजिए। और फ्रेंड्स ये ऊपर से भी यहाँ से कट करना है ताकि ऊपर का भी अच्छे से एक 2 ब्रांच निकलेगी तो और थोड़ा फैल के बनेगा, तो देख लीजिए। और फ्रेंड्स ये जितनी भी कटिंग है ये सब कटिंग नहीं, मैंने जैसे ये वाली कटिंग थी ऐसे कट करी थी, तो इसके अंदर मैंने डाल दी थी, तो ये अच्छे से ग्रो हो चुकी है। तो फ्रेंड्स इनको निकाल लूँगी मैं और किसी दूसरे ही वाले पोट में लगा दूँगी, क्योंकि इसकी छोटी सी छोटी कटिंग लग जाती है कि। और फ्रेंड्स इसकी जो मिट्टी की बात की जाए तो इसके लिए एक बेल्डन मिट्टी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इनको मैं अब कटिंग लगा दूँगी दूसरे गमले में। तो फ्रेंड्स धीरे धीरे बोनसाई बनता है, तो देख लीजिए एक शेप बनती जा रही है धीरे धीरे से। और फ्रेंड्स ये घना इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि ये जो जितनी भी कटिंग है नीचे मैंने इसी में से कट करके इसमें लगाई थी। तो फ्रेंड्स इनको निकाल लेती हूँ। फ्रेंड्स इसके लिए मैंने एक बेल्डन मिट्टी बना ली है फ्रेंड्स, तो डिटेल में वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर लेना कि जेट प्लांट को कैसे लगाया जाता है। फ्रेंड्स इसके लिए एक मिट्टी मैंने इसमें भर ली है, और मिट्टी में ना रेत की संख्या थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अभी जो कटिंग है इनको मैं इसके अंदर लगाऊंगी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये सेकंड वाली है, तो इसको भी लगा देती हूँ फ्रेंड्स। तो ये 2-3 जड़ वाली है, तो फ्रेंड्स नीचे की लीव हटाकर इनको सबको सेट कर देती हूँ इसके अंदर, धीरे धीरे से लगा देती हूँ। और फ्रेंड्स इसके अंदर डाल देते हैं पानी, और फ्रेंड्स एक बार अच्छे से पानी डाल देना है ताकि नीचे से निकल जाए पानी गमले से, और होल होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, नहीं तो ये जड़ गल जाएगी और पौधा ख़राब हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स धीरे धीरे पानी जमता जाएगा नीचे। और फ्रेंड्स ये जेट प्लांट तो बिल्कुल सर्कुलर प्लांट है, तो फ्रेंड्स हफ्ते में 2 बार भी डालोगे तो आराम से ये चल जाएगा। और जब भी पानी डालो फ्रेंड्स चेक करके डालना चाहिए, ये देख लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स नीचे से पानी निकलने वाला, अभी निकला नहीं है,
फ्रेंड्स सारा पानी नीचे निकल चुका है और ये देख लीजिए ऐसी मिट्टी होनी चाहिए इसके लिए बेल्डन, तभी जाके इस प्रकार के बोनसाई पौधे बनेंगे और अच्छी अच्छी ग्रोथ होगी, नई नई पत्तियाँ निकलेगी। ये देख लीजिए प्लेट ले लिए मैंने और वो करेले लेके आते हूँ क्योंकि फ्रेंड्स समय पे हार्वेस्टिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स उनको हार्वेस्ट करूँगी तब जाके दूसरे जो करेले हैं उनको भी जल्दी जल्दी ग्रोथ अच्छी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स चलते आ चुकी हूँ और अभी फटाफट करेला हार्वेस्ट करके लेके आती हूँ। फ्रेंड्स कल रात से ही बारिश हो रही है यहाँ पर और अभी भी थोड़ी थोड़ी देर पहले हुई थी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको जो खूबसूरत नज़ारा है वो दिखाती हूँ हर श्रृंगार का, जिसमें इतने सारे फ्लावर खिलते हैं रोज़। और आज तो फ्रेंड्स पानी में भीग चुके हैं क्योंकि रात भर बारिश हो रही है और खूब सारे तो फ्रेंड्स इसके अंदर ही अटके हुए हैं, ये देख लीजिए। तो फ्रेंड्स एक बार इसको करती हूँ, बाकी के फ्लावर नीचे झड़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स इनको सबको मैं इकट्ठा कर लेती हूँ और फ्रेंड्स ये फूल है ना बहुत ही पूजनीय होते हैं, तो फ्रेंड्स इनको सबको मैं एक प्लेट में रख लेती हूँ, ये देख लीजिए। और फ्रेंड्स ये पौधा घर में लगाना बहुत ही अच्छा रहता है। और फ्रेंड्स दूसरी बात क्या है कि एक औषधि पौधा है फ्रेंड्स ये देख लीजिए। तो फिर सारे इकट्ठे कर लेती हूँ इनको, मैं टेरेस पर आ चुकी हूँ और कल मैंने गेहूँ साफ़ किए थे, तो फ्रेंड्स जो पीछे के गेहूँ बचते हैं ना छोटे छोटे, तो इनमें से फ्रेंड्स मैं ना कबूतरों को दाना डालूँगी अभी। फ्रेंड्स ऐसे गिर जाते हैं और ये फ्रेंड्स ये पौधे के फूल ऐसे हैं कि अपने आप ही झड़ जाते हैं नीचे, ये देख लीजिए। और रात को खिलते हैं, इसको रात रानी भी बोला जाता है। इधर जो भिंडियाँ हैं जो पक चुकी है फ्रेंड्स, तो इनको हार्वेस्ट कर लेती हूँ, अभी सुबह ही करना पड़ेगा फ्रेंड्स इनको, ये देख लीजिए, क्योंकि समय हार्वेस्टिंग करना ज़रूरी है नहीं तो ख़राब हो जाएगी ये। तो फ्रेंड्स ये दो भिंडी ये ले चुकी हूँ और इधर एक और आ रही फ्रेंड्स, इसको भी ले लेते हैं, ये देख लीजिए। तो सुबह सुबह तीन भिंडी ले चुकी हूँ मैं और इनको रखती हूँ फ्रेंड्स डोली पर, ये देख लीजिए। आपको सुबह मॉर्निंग में भी दिखाई थी इनकी ग्रोथ कितनी थी और फ्रेंड्स शाम तक बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये दो करेले हैं या पास पास है, तो फ्रेंड्स इनको हार्वेस्ट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मुझे नीचे गिरेगा इसलिए मैं थोड़ा कैमरा ऑफ करके ही तोड़ लेती हूँ। कोर आ रहा है, इसको भी ले लेते हैं, ये देख लीजिए। अभी इसको फ्रेंड्स इनको हार्वेस्ट कर लेती हूँ, बरसात आ चुकी है और फ्रेंड्स ये दो छोटे छोटे और आ चुके हैं। और फ्रेंड्स अभी एक ये छोटा है तो इसे नहीं लूँगी। और फ्रेंड्स इसके जस्ट बगल में आ रहा है एक और, तो फ्रेंड्स इसको भी ले लेती हूँ, ये ले लिए। तो फ्रेंड्स ये हार्वेस्टिंग हो चुकी है और फ्रेंड्स भिंडी मैंने तो तीन भिंडी बड़ी बड़ी थी फ्रेंड्स, वो सुबह मॉर्निंग में ले जा चुकी थी क्योंकि फ्रेंड्स वो अच्छी अच्छी ग्रोथ हो चुकी थी उनकी। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं नीचे, धनिया डाला था ना वो ग्रो हो चुका है और फ्रेंड्स इस टब में डाला था, तो देखिए फ्रेंड्स धनिया निकलने लग गया है, ये देख लीजिए। और मैंने कैरेटों में भी डाला था फ्रेंड्स, तो ये अच्छे से निकल चुका है। जाने से पहले अगर आपको एक लिए लौकी की ग्रोथ दिखा देती हूँ, तो फ्रेंड्स एक लौकी इधर है और एक लौकी उधर है फ्रेंड्स, वो भी दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स एक लौकी इधर है, अभी दिखाती हूँ आपको, ये देख लीजिए। तो फ्रेंड्स इसकी ग्रोथ थोड़ी अच्छी लग रही है, तो फ्रेंड्स मैंने अभी इस कपड़े से इसको ढक रखा है, तो इसको कपड़े से ढक देते हैं फ्रेंड्स, ये देख लीजिए मैंने ढक दिए इसको। मैं नीचे आ चुकी हूँ और फ्रेंड्स तीन भिंडी मैंने सुबह मॉर्निंग में हार्वेस्ट कर ली थी क्योंकि वो उनकी ग्रोथ हो चुकी है। तो फ्रेंड्स मेरा एक सिद्धांत है फ्रेंड्स, मैं जो काम होता है फ्रेंड्स मैं टाइम पे करना है अच्छा लगता है, क्योंकि टाइम पे किए गए हुआ काम फ्रेंड्स सही रहते हैं। अब मेरे पास मैंने जो कम से कम आधा किलो 500 ग्राम करेले हो चुके हैं, तो एक फैमिली के लिए अच्छे से है फ्रेंड्स, तो आज मैं इनको ढंग से बना लूँगी। तो फ्रेंड्स अभी इनको छील के नमक में और गला के रखना पड़ता है फ्रेंड्स, तब जाके इनकी सब्ज़ी बनती है। तो फ्रेंड्स ये काम कर लेती हूँ फ्रेंड्स, अभी की जो अभी हार्वेस्ट करके लेके आई जो ये तीन तो करेले आए फ्रेंड्स और ये छह बैंगन आए और फ्रेंड्स सुबह की ये तीन भिंडियाँ हैं, ये देख लीजिए फ्रेंड्स जो आज के हार्वेस्टिंग है देख लीजिए। और फ्रेंड्स ऐसा कुछ ना कुछ मुझे मिलता रहता है गार्डन से, दो दिन पहले जो करेले की हार्वेस्टिंग करी थी वो भी ऐसे कैसे रखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स इन करेले की सब्जी एक साथ बनाऊंगी मैं आज। फ्रेंड्स
एक करेला और बच गया था फ्रेंड्स, जो मैं इसको जाके लेके आ चुकी हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने सोचा कि ये एक एक के साथ कौन सा क्या करेगा। तो फ्रेंड्स एक और करेला आ चुका है और ये घर के करेले हैं। तो फ्रेंड्स अब इनके काट छील कर इनको नमक में गला के रखूँगी। तो देख लीजिए घर के ऑर्गेनिक करेले। फ्रेंड्स आज हार्वेस्टिंग भी अच्छी निकली थी और फ्रेंड्स गार्डन से जो सब्जियाँ निकलती तो उस सब्जी को बनाते हैं फ्रेंड्स, उसकी खुशी कुछ अलग ही होती है। तो फ्रेंड्स अभी थोड़ी देर में मेरे करेले की सब्जी बन जाएगी। मैंने जो करेले की सब्जी बन रही है और इधर रोटी बनने लगी, क्योंकि गैस पे पहले उधर रखा था फ्रेंड्स, बड़ा चूल्हा उधर है। तो इधर है ना जो मैंने सब्जी इधर रख ली है। करेले की सब्जी बन चुकी है, तो देख लीजिए कितनी अच्छी बनी है। और फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी बनी है। फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। अगर आज का मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।